गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है कार्डिक साइकिल। ये हमें वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में बताता है कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर किया था। हमने चार चैम्बर्स बनाए थे, इसे हम क्या बोल रहे थे, राइट ऑरिकल, इसे हम बोल रहे थे लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा हार्ट, ह्यूमन हार्ट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट। टू वर्क एफिशिएंटली, एफिशिएंट वर्किंग के लिए हमारा हार्ट क्या है, फोर चैम्बर बन गया। तो अब हम वर्किंग की बात करते हैं कि कैसे हमारा हार्ट काम कर रहा है। तो काम करने की जो साइकिल है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। तो कार्डिक साइकिल क्या है, ये एक साइक्लिक रिपीटिशन है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। मतलब एक बार चैम्बर ऐसे हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, भीड़ा हो रहा है, और एक बार क्या है, दोबारा से एक्सपैंड हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, दोबारा से उसी पोजीशन में आ रहा है, उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो ये जो साइक्लिक चेंजेस है, एक बार ऐसे होना, एक बार ऐसे होना, क्या कहलाता है, कार्डिक साइकिल। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में हम कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो एक जो साइक्लिक चेंज है, मतलब ब्लड इसमें फिल हुआ, फिर यहां से वेंट्रिकल्स में चला गया, वेंट्रिकल से हार्ट से बाहर आ गया, ये जो साइक्लिक चेंजेस है इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, एक सेकेंड से भी कम, 0.8 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, तो ये 0.8 सेकेंड कैसे लगते हैं अभी हम आगे देखेंगे। तो कार्डिक साइकिल क्या है, साइक्लिक चेंजेस हैं, मतलब साइक्लिक का बार बार यही चेंजेस रिपीट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूसली वर्किंग स्टेज में रहता है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्टेज टू अवर डेथ। हमारी डेथ जब तक नहीं हो जाती तब तक ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लगातार हार्ट में चलते रहते हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग। तो हमारे जो कार्डिक साइकिल है बच्चे, थ्री स्टेजेस में डिवाइडेड है, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और तीसरा है जॉइंट डायस्टोल। अब ऑरिकुलर सिस्टोल का मतलब क्या है, हमें पता है कि राइट ऑरिकल क्या है, वो वेना कैवा से ब्लड रिसीव कर रहा है ना, और लेफ्ट जो ऑरिकल है वो लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड कलेक्ट कर रहा है। तो इसकी दो ब्रांचेस थी, हमने पढ़ी थी, और हमारे जो पल्मोनरी वेन की थी उसकी चार ब्रांचेस थी, इट हैज फोर ब्रांचेस, जबकि वेना कैवा की टू ब्रांचेस थी। तो वेना कैवा क्या है, बॉडी से ब्लड लेकर आ रहा है, कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट ऑरिकल में हमारा कौन सा ब्लड आ रहा था, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो जैसे ही ये हार्ट इन सब ब्लड को रिसीव करता है इन देयर रिस्पेक्टिव ऑरिकल्स, ठीक है, ये ऑरिकल्स फिल हो गए। फिल होने के बाद क्या है, जब ये फिल हो रहे थे दे आर एक्सपेंडिंग, ये एक्सपैंड हो रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा फिल हो गया, इसका क्या होगा, तो जैसे ही ये फिल हो गए तो ब्लड हैव टू रश टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। अब ये जो भरे हुए ऑरिकल्स हैं ये अपना ब्लड कहां भेज देंगे, देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में। तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा कि ब्लड क्या होगा, मूव फ्रॉम ऑरिकुलर टू वेंट्रिकल। तो यहां पर जो ऑरिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि सारा ब्लड ऑरिकल से कहां आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए। तो ये चीज करने के लिए जो यहां पर वॉल्स लगी हुई थी हमारी, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल, जैसे हम राइट में क्या कह रहे थे, ट्राइकैप्सिड है, और लेफ्ट में क्या कह रहे थे, बाइकैप्सिड है, वो क्या है, खुल जाएंगी, वाइड ओपन हो जाएंगी ताकि ब्लड जल्दी से जल्दी हमारा ऑरिकल से कहां आ जाए, वेंट्रिकल्स में आ जाए। तो कितना टाइम लगता है ये काम करने में, मतलब सारा जो ऑरिकल है अपना ब्लड वेंट्रिकल में भेज देगा, उसको सिर्फ कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड।
0.1 सेकंड लग रहा है। तो जब ऑरिकल्स ने ब्लड रिसीव किया तब ये क्या हो रहे थे, एक्सपैंड हो रहे थे। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं कि ब्लड हैव मूव फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल। एक्सपेंशन के टाइम क्या था, यहां ब्लड भर गया, अब इसने दोबारा से क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है ताकि क्या आ जाए, ब्लड इधर आ जाए ऑरिकल से वेंट्रिकल, इसको ऐसे हो जाना है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहां पर जो हमारी ब्लड वेसल्स है ये भी क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी, भीड़ी हो जाएंगी, ताकि ब्लड वापस यहां पर ना जा सके। क्योंकि हमें पता है जो हमारी पल्मोनरी वेन है इट डज नॉट हैव वॉल्स, इनके पास वॉल्स नहीं होती। तो बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए देयर वॉल्स मान लो पहले ऐसे हैं, अब ये कैसी हो जाएंगी, भीड़ी हो जाएंगी, ताकि बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना हो सके। ठीक है, तो ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, ब्लड मूव फ्रॉम ऑरिकल टू देयर रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, इसके लिए क्या है, वॉल्स वाइड ओपन हो जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड एंटर कर सके। तो अब जैसे ही ऑरिकल्स खाली हो जाएंगे, ऑरिकल्स का जो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन है कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या होएगा, अब वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया है। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया है तो क्या होगा, एवी वॉल्स गेट क्लोज्ड। एवी वॉल्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। क्या, जैसे ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल्स में आ गया तो वेंट्रिकल्स में प्रेशर अब जनरेट करना है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड प्रेशर बन जाए यहां पर, मतलब ये भी एक्सपैंड होने लग गए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड इसके अंदर आए। तो क्या हो, इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहली बात जो ये वॉल्स ओपन हुई थी ये क्या हो जानी चाहिए, क्लोज हो जानी चाहिए। मतलब आपके ट्राई कैप्सिड और बाई कैप्सिड वॉल्व क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। आपको अगर ध्यान याद हो तो यहाँ पे कॉर्डाई टेंडनी लगी हुई थी जो इनको पुश करेंगी टू गेट क्लोज। ठीक है, तो जब ये एवी वॉल्स हमारी क्लोज हो रही हैं तो पहली आवाज हमें हमारे हार्ट की सुनाई देती है, दैट इज लव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमें फर्स्ट जो हार्ट साउंड सुनाई दे रही है वो कब सुनाई देती है, ड्यूरिंग दी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो ये वॉल्व क्लोज हो गई। दूसरा हमें पता है कि अब जब ये ब्लड कंप्लीटली भर गया, यहां पर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, अब ये ब्लड क्या है, बाहर जाना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम इट हैव टू बी ओपन, खाली होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रही होती है तो ये वॉल्व बंद हो गई, अब इसके अंदर पूरा प्रेशर जनरेट हो गया है ना, ये बिल्कुल क्लोज चैम्बर की तरह काम करने लग जाएगा, ऊपर से बंद हो गया। तो अब आगे ब्लड भेजने के लिए जो यहां पर वेसल्स हैं, इसके पास राइट वेंट्रिकल के पास कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी, और इसके पास क्या थी, अरोटा, ये इनके वॉल्स क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी टू रश दी ब्लड टूवर्ड्स दीज वेसल्स। क्योंकि सिस्टोल का मतलब होता है एम्पटिंग। देखो अभी हमने ऑरिकुलर सिस्टोल किया था कि जब हमारे ऑरिकल्स खाली हो जाते हैं, खाली ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल्स में। तो ऐसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल में भी यही होगा कि जब वेंट्रिकल्स हमारे पूरे भर गए तो क्या होगा, ये वॉल्व बंद हो जाएगी, और कौन सी वॉल्व खुल जाएंगी, जो आगे ब्लड भेज रही हैं जिन वेसल्स में। तो सेमी लूनर वॉल्स गेट ओपन, तो हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है और एरोटा है, इनके जो वॉल्स हैं दे गेट ओपन सो दैट ब्लड रशेज फ्रॉम वेंट्रिकल टू दी वेसल्स, उन वॉल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल्स। तो ये जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है या सिस्टोल है ये कितनी देर के लिए होता है, 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, मतलब इसने अपना सारा ब्लड बाहर रश कर दिया, अब ये कौन सी स्टेज में आ जाएगा,
रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाएगा। किसमें? हम उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, लेकिन जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में पहुंचा, ऑरिकल्स ऑलरेडी डायस्टोल में है, क्योंकि ऑरिकल्स को तो सिर्फ कितना सिस्टोल हुआ? 0.1 सेकेंड। अगला जो टाइम पीरियड था जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा था, तब भी आपके ऑरिकल्स क्या थे? रिलैक्सिंग स्टेज में थे। तो एक बीच में ऐसी स्टेज आ गई जब हमारे चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? ज्वाइंट डायस्टोल। सारे के सारे ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्सिंग। ठीक है, अब रिलैक्सिंग का मतलब क्या है कि इसमें भी ब्लड एंटर होना शुरू हो गया है ऑरिकल्स में, मतलब दे आर इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम। ऐसे ही अब ये वाली वॉल्स भी ओपन हो जाएंगी ताकि ऑरिकल्स में ब्लड, ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आ सके, तो दे आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग, मतलब प्रेशर यहां पर कम हो जाएगा। वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर था हमारा वॉल्स बंद होने की वजह से और ब्लड आगे जाने की वजह से, अब जब ये रिलैक्स करने लग गई हैं तो इनका वॉल्यूम क्या है? इंक्रीज होने लग जाएगा। और हमें पता है जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है? कम। तो जब प्रेशर कम हो गया वेंट्रिकल्स में तो क्या कंडीशन हो सकती है कि जो ये ब्लड इन वेसल्स में जा रहा था ये वापस इसी के अंदर आने लग जाए क्योंकि प्रेशर कम हो गया है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये जो सेमीलूनर वॉल्स हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम खुली थी, अब ये क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। तो इनकी क्लोजिंग कब हो रही है बच्चे? जॉइंट डायस्टोल में, या हम टर्म बोल सकते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। तो सेमीलूनर वॉल्स आर क्लोज्ड। इनके क्लोज होने पर सेकंड हमें साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे हार्ट की, दैट इज डब। डब बोले या डप बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो सेकंड साउंड हमें प्रोड्यूस हो रही है। तो आपने नोट करा होगा कि दो जो साउंड हमें हार्ट की सुनाई देती हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय क्लोजिंग ऑफ वॉल्स। पहली जो वॉल्व क्लोज हो रही है, पहली साउंड सुनाई देती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायकैप्सिड एंड ट्राइकैप्सिड, या ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हो रही हैं। ऐसी जो सेकंड साउंड हमें प्रोड्यूस हो रही है, वो कब प्रोड्यूस हो रही है? जब हमारी सेमी लूनर वॉल्व क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। क्यों क्लोज हो रही है? क्योंकि वेंट्रिकल्स का प्रेशर क्या हो गया है? कम हो गया है, बिकॉज दे आर एंटरिंग इन टू द रिलैक्सिंग स्टेज। दे आर इंक्रीजिंग देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? ब्लड कैन रश बैक टू दी वेंट्रिकल्स। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए दे हैव टू बी क्लोज्ड। तो हमारा ज्वाइंट डायस्टोल है वो कितनी देर के लिए होता है बच्चे? 0.4 सेकेंड। तो अब आप एक साइक्लिक वे में हम इसको बनाकर देखते हैं, क्योंकि हम साइक्लिक चेंजेस की बात कर रहे हैं इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डिक साइकिल। मतलब ये जो चेंजेस हैं लगातार चलते रहेंगे। ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद क्या होएगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो जाएगा। जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल आया, ऑलरेडी ऑरिकुलर डायस्टोल स्टेज में था, इसलिए हमने टर्म यूज कर दी थी ज्वाइंट डायस्टोल। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि ऑरिकुलर जो सिस्टोल होता है वो कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। फिर हमने किया 0.3 सेकेंड्स के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, और ये सारा हमारा क्या है? 0.4 सेकेंड, दैट इज ज्वाइंट डायस्टोल। ठीक है, ये साइक्लिक। तो ये पूरा कितना हो गया? 8.8 सेकेंड। तो अब ये देखो, पूरा जो साइकिल है हमारा कार्डिक साइकिल, वो कितनी देर का है? 0.8 सेकेंड का है। तो हम बात करते हैं जब ऑरिकुलर सिस्टोल हो रहा है बच्चे, तो वो कितने का? अभी हमने देखा 0.1 सेकेंड। पूरी साइकिल कितने की है? 8 सेकेंड। तो ये जो रेस्ट ऑफ द टाइम है, ये यहां से यहां तक, ये सारा क्या है? ऑरिकुलर डायस्टोल का है। ये कितना हो जाएगा? ऑरिकुलर डायस्टोल कितना हो जाएगा? 0.7 सेकेंड, क्योंकि पूरा जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो कितना है?
0.8, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हो रही है दैट इज अ वन साइकिल। तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में ऑरिकल कितनी सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0.1 सेकंड के लिए, और रिलैक्स कितनी देर के लिए कर रहे हैं, 0.7 सेकंड, मतलब 0.1 सेकंड दे आर पंपिंग ब्लड आउट और 0.7 सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, दे आर रिसीविंग द ब्लड, दे आर फिलिंग देयर चैम्बर। नेक्स्ट जब अब हम बात करें कि हमारा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कितनी देर के लिए है, 0.3 सेकंड। अब ये यहां से यहां की बात करें हम, ये पोर्शन कितना है, ये क्या है, वेंट्रिकल के क्या है, डायस्टोल है, जब वेंट्रिकल्स आर रिलैक्सिंग। ये कितना टाइम पीरियड हुआ, 0.8 में से 0.3 माइनस कर दें तो हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर जो डायस्टोल है दैट इज फॉर 0.5 सेकेंड्स। तो ये देखो, ये 7 था, ये 5 था, तो ये पीरियड कब हुआ, जब सारे के सारे चैम्बर्स हमारे क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये पीरियड कितना आ गया, 0.4 सेकंड, इसलिए हमने टर्म यूज कर दी थी वहां पर जॉइंट डायस्टोल। तो हमारे जो ये साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं लगातार, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ऑल दी चैम्बर्स, उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब होता है व्हेन ब्लड इज रिसीविंग द ब्लड, सॉरी एम्पटिंग दी चैम्बर, व्हेन चैम्बर इज एम्पटिंग दी ब्लड, अपना चैम्बर खाली कर रहा है, ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ रहा है, दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा, जब ब्लड वेंट्रिकल से कहां जाएगा, आपके रिस्पेक्टिव वेसल्स में जाएगा, इसलिए तो सेमिलुनर वॉल्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम ओपन हो गई थी ताकि ब्लड रश हो सके आगे की तरफ। और जब आपके सारे चैम्बर्स ब्लड रिसीव करते हैं दैट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सिंग, दे आर एक्सपेंडिंग अगेन, एक्सपैंड हो रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तभी उनके अंदर ब्लड एंटर कर सकता है। तो ये था हमारा साइक्लिक चेंजेस हार्ट की। अब हम बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इन वन कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल में ऑरिकल्स भरे, ऑरिकल भरने के बाद वेंट्रिकल्स में गए, वेंट्रिकल भरे, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ है, बाहर पंप हुआ। ये जो साइकिल है, साइकिल मतलब इन तीनों स्टेज को कंप्लीट करने के बाद हार्ट कितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करता है, दैट इज 70 ml, उसको हम किससे मेजर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक साइकिल में कितना वॉल्यूम ब्लड बाहर आ रहा है। और यही टर्म हम कार्डिक आउटपुट, कि जब कितना ब्लड एक मिनट में बाहर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। तो हमें पता है हार्ट एक मिनट में कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स बीट कर रहा है, मतलब एक कितनी कार्डिक साइकिल्स हुई, 72 कार्डिक साइकिल्स हुई, और एक कार्डिक साइकिल में कितना ब्लड आ रहा है, 70 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड इज पम्प्ड आउट बाय द हार्ट इन 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईसीजी। ईसीजी आपने जनरल टर्म्स में भी सुना होगा कि जब हम अपने हार्ट की चेकिंग के लिए जाते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें ईसीजी करना पड़ता है। तो उसको ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, हमारी जो ये जो साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं अराउंड दी हार्ट मसल, उसको मेजर करती हैं। अब हमें पता है मसल्स क्या हैं, दे हैव चार्ज, मतलब उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंजेस ऑफ हार्ट मसल ड्यूरिंग दी कार्डिक साइकिल, कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं कार्डिक साइकिल के टाइम मसल्स में। हमें पता है कि जो ऑरिकल्स मसल्स होती हैं वो थिन होती हैं एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल
मसल्स। क्यों? क्योंकि ऑरिकल्स मसल्स ने ब्लड रिसीव करना और सिर्फ जस्ट पंप करना है वेंट्रिकल्स में, लेकिन वेंट्रिकल्स की वॉल्स थिक होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि ब्लड बॉडी तक पहुंच सके। तो इनकी वर्किंग मोर एफिशिएंट है, इसलिए इनकी वॉल्स क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं। ठीक है, तो थ्री पीक्स हमें मिलती है जब हम ECG करवाते हैं, P, QRS एंड T। इसी के साइक्लिक चेंजेस, अगर ये पीक्स किसी की ठीक आ रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका हार्ट ठीक रूप से काम कर रहा है। लेकिन अगर इन पीक्स में देर इज ए लार्ज टाइम गैप, क्योंकि ये पीक क्या दिखा रही हैं? जो ये कार्डिक साइकिल में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि PV वेव देखो क्या बताती है हमें, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन बताती है कि जब ऑरिकल क्या कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं, दे आर पंपिंग ब्लड टू दी वेंट्रिकल्स। तो ये सिर्फ कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड। मान लो अगर ये किसी के ग्राफ पर ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है मतलब इसका टाइम पीरियड क्या है, बढ़ गया है, इसका मतलब हमारा हार्ट ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसका किसी भी पीक का टाइम पीरियड कम या ज्यादा हो रहा है तो देर वॉज ए प्रॉब्लम इन अवर ECG, और उसको हम क्या कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि हमारा हार्ट ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ECG क्या पता लगाने में मदद कर रहा है कि क्या हमारे हार्ट के ये जो चैम्बर्स हैं दे आर पंपिंग ब्लड राइटली और नॉट। राइटली कब करेंगे? अगर ये ठीक रूप से ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन होएगी, ठीक रूप से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होएगी। अगला है QRS वेव। QRS वेव को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन वेंट्रिकल्स आर अंडरगोइंग सिस्टोल दे आर पंपिंग ब्लड आउट। ये कितनी देर के लिए होना चाहिए था? 0.3 सेकेंड्स के लिए। अगर ये वेव मान लो ऐसे हो जाए, ये टाइम पीरियड छोटा हो गया, और अगर ये वेव ऐसे हो जाए तो टाइम पीरियड क्या है, बढ़ गया है, इसका मतलब वेंट्रिकल्स ठीक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। मे बी सम डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन देयर ब्लड वॉल्स। टी वेव क्या बताएगा? जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स में ब्लड एंटर हो रहा है, मतलब कि टी वेव क्या है कि जब वेंट्रिकल्स किस में आ गए, डायस्टोल में आ गए, ये कितनी देर के लिए होता था? 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक चेंजेस, अगर इनके पीक्स बिल्कुल सही टाइम पीरियड पर आ रही हैं, अब हमें पता है ये कितनी देर के लिए होगा, इतना 0.8 सेकेंड, लेकिन किसी का ये जो पीक्स हैं वो कितने में ही कंप्लीट हो जाए, 0.6 सेकेंड, या किसी के में 1.2 सेकेंड्स ले रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि उनका हार्ट ठीक रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ECG हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि हमारा हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, जो कार्डिक आउटपुट आ रहा है वो ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर फर्दर डायग्नोस से हम पता लगा सकते हैं कि कहां पर प्रॉब्लम है, वेदर इट इज इन ऑरिकल, वेदर इट इज इन वेंट्रिकल। ठीक है, तो अभी हमने बात करी कि दो तरह की साउंड हमें हमारे हार्ट में सुनाई देती है, लब एंड डब। तो ये जो लब और डब साउंड है, इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर्स आपके हार्ट पर और ईयर में लगाकर देखते हैं, दैट इज स्टेथोस्कोप। क्योंकि जब डॉक्टर आपकी हार्ट साउंड सुन रहा है तो वो इनको ही सुन रहा है, लब और डब को ही, इनकी लाउडनेस को चेक करता है कि वो ठीक आ रही नहीं है। जैसे हम कहें कि लब जो है वो कम लाउडर होती है, जबकि डब क्या है, ज्यादा तेज होती है, लेकिन लब का जो टाइम पीरियड है थोड़ा लंबा है, किसकी बजाय, डब की। तो यही चीजों को मेजर करता है डॉक्टर कि क्या हार्ट साउंड ठीक सुनाई दे रही है। अगर तो हार्ट साउंड ठीक सुनाई दे रही है स्टेथोस्कोप की हेल्प से, तो फिर हमें ECG कराने की भी जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर फर्स्ट डायग्नोज में साउंड उसको ठीक रूप से नहीं सुनाई दे रही, देर में भी प्रॉब्लम इन लब और देर में भी प्रॉब्लम इन डब,
तब हमें डॉक्टर क्या रिकमेंड करता है कि आपको ईसीजी करानी चाहिए। तो ईसीजी में क्या है, फिर पीक्स को देखते हैं कि क्या वो पीक्स सम सेम इंटरवल पर आ रही हैं कि नहीं। अगर ठीक आ रही हैं तो हमारा हार्ट ठीक रूप से काम कर रहा है। अगर वो पीक की इंटरवल्स देयर इज अ चेंज, तब हम क्या है फर्दर डायग्नोसिस के लिए पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हमारा हार्ट काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे डबल सर्कुलेशन। थैंक यू।